अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम ना कहीं घूमने नहीं जा रहे, ना हम कोई ट्रैवलिंग का या किसी चीज का व्लॉग बनाने जा रहे। आज मैं बनाने जा रहा हूं इन्फॉर्मेशन व्लॉग। आज मैं जाने जा रहा हूं अपनी गाड़ी के टायर डलवाने। मैं आया हुआ था गुजरांवाला, तो मैंने सोचा भाई टायर डलवा लें गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी के टायर खत्म हुए हुए हैं। क्योंकि पिछली दफा मैंने यहाँ से टायर डलवाए थे। गुजरांवाला में एक शॉप है चांदा किला के पास, जापान टायर हाउस, काफी अच्छे उनकी इनके क्वालिटी होती है टायरों की। क्योंकि पिछली दफा जो मैंने टायर डाले वो पूरा एक साल निकाल के गए हैं, और इतनी सख्त गर्मी जो इस दफा पड़ी है उस गर्मी के अंदर, तो मैंने सोचा यार इधर आए तो मैं क्यों ना गाड़ी के टायर परचेज कर लिए जाए। तो चलते हैं टायर डलवाने चांदा किला। हाँ जी गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ गुजरांवाला चांदा किला के पास, जापान टायर हाउस। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रही मेरी गाड़ी। तो चलते हैं अंदर जाकर टायरों का रेट देखते हैं। ये रहे मेरे पुराने टायर जी मैक्स के, और ये वैसे साल चल गए हैं। साल इसने मुझे तंग नहीं किया इन टायरों ने। हम नहीं कर सकते कि इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमें चार टायर मिले हैं 40,000 के। हुई हुई हुई। आप यकीन नहीं कर सकते, जिसकी गाड़ी है ना, मेरी तो नहीं है, मैं तो 70 पे जाता हूँ, लेकिन जिसकी गाड़ी है ना हमें उसकी फिक्र है, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा गरीब है। ठीक है, गाड़ी वो रखता है, पेट्रोल हम डलवाते हैं, टूल प्लाजे हम देते हैं, तो हमें इसका बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह पाक इसके आगे मदद फरमाए, इसकी मगफरत फरमाए। हाँ जी गाइस, हम लोग टायर परचेज कर लाए हैं चांदा किला से। टायर मैंने अपनी गाड़ी में दलवाए नहीं, टायर पड़े हैं मेरी गाड़ी की डिग्गी में, क्योंकि जो मेरे पुराने टायर थे वो अभी थोड़े से ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एक दो महीने जो है ना वो गुजर जाए गर्मी के, ताकि जो नए टायर है मैं बाद में डालूँ, ये दो महीने गुजार के, ताकि वो आगे गर्मी की जो मार है वो बर्दाश्त ना करें, आगे थोड़ा ज्यादा चल पड़े। तो अब आते हैं थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि ये टायर मुझे कितने के और क्या सूरत हाल रही पिछली दफा के और इस दफा की। गाइज, एक बुरी खबर एक ये भी है कि मैंने रात को अपनी गाड़ी का मोबाइल चेंज करवाया है। तो पहले मेरा मोबाइल चेंज होता था कोई 4,000 रुपए में, लेकिन जो रात को चेंज हुआ है 4,500 रुपए में चेंज हुआ है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज है कि 500 रुपए मोबाइल के भी पीछे बढ़ गए हैं। पिछली दफा मैंने दलवाए थे जी मैक्स के टायर, जो कि मुझे पड़े थे 24,500 रुपए के, और इस दफा मैंने जी मैक्स से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी दलवाई है। लेकिन ब्रिस्टोन, डनलॉप, इन कंपनियों में से कोई नहीं दलवाया। ये भी एक चाइना का टायर है, लेकिन इसकी क्वालिटी उससे बेहतर है। जो पिछली देर वाला वो टायर था वो मेरा चला था कम से कम कोई 60,000 से 70,000 किलोमीटर, और ब्रिस्टोन और डनलॉप वगैरह भी तकरीबन इतना ही चलते हैं। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए उनके साथ तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ब्रिस्टोन और जो डनलॉप वगैरह, इस दफा अगर मैं आपको रेट बताऊँ यकीन नहीं करेंगे, वो टायर इस टाइम कम से कम 60,000 से 70,000 और 70,000 से 80,000 की रेंज में आ रहे हैं, ब्रिस्टोन डनलॉप वगैरह। और जो मैं टायर लेके आया हूँ, गाइस चाइना के टायर दोबारा, लेकिन जी मैक्स से अच्छी कंपनी है ये। और लेकिन ये टायर मुझे इस तरह 2,210 रुपये पेट्रोल होने के बाद, ये जो टायर मुझे पड़े हैं ये पड़े हैं 40,000 रुपये में। जी हाँ बिल्कुल, 1,000 सिर्फ दुकानदार ने मुझे छोड़ा है, उसके अलावा उसने कोई पैसे मुझे माफ़ नहीं किए। तो 40,000 रुपये में टायर भाई, पिछली दफ़ा एक साल पहले यही टायर 24,500 रुपये के, और उससे थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी, और 40,000 रुपये के टायर। गाइस ये है महंगाई, 210 रुपये पेट्रोल हो गया भाई, टायरों को भी आग लग गई है। बाकी उसके अलावा रिम्स थे, रिम्स की भी जो प्राइस मैंने पूछी है वहाँ पे, जो लो क्वालिटी रिम है वो 30,000 से स्टार्ट हो रहा है, और बाकी आपको पता है कि जितना गुड़ डालते हो वो मीठा है। हाँ जी गाइज, ये था आज का व्लॉग, इसी तरह मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन व्लॉग के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।